सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, घर में होंगे और सेफ होंगे। हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमारा पैटर्न क्या था मैट्रिक्स चैप्टर में? हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, मैट्रिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट को समझा, फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखा। सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया कैसे एक मैट्रिक्स को क्रिएट करना है जब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दिया जाए और पैटर्न बता दिया जाए, तो हमने ये सेकेंड वीडियो में डिस्कस किया। थर्ड वीडियो में हमने टाइप्स को डिस्कस किया, ऑल्दो सारे टाइप्स, जो कुछ टाइप्स को हम बाद में भी डिस्कस करेंगे जब हम लोग ट्रांसपोज के आइडिया को समझेंगे कि ट्रांसपोज क्या होता है, जब इन सारी बातों को समझेंगे तब कुछ और टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो इन सारी बातों को, कुछ मैट्रिक्स बच गए थे और कुछ ऐसे टाइप्स भी थे मैट्रिक्स के जो कि उतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे, तो हमने उन सभी टाइप्स को डिस्कस नहीं किया। तो मोर और लेस जो भी इम्पॉर्टेंट टाइप था और कुछ ऐसा टाइप्स जिसका आइडिया हम लोगों को बाद में पता चलेगा कि उसका बेस क्या है, तो हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फोर्थ वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, टाइप टू क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। टाइप टू क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस बोलने का मतलब क्या? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिवीजन का कंसेप्ट, कि मैट्रिक्स के अंदर डिवीजन का क्या कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट को हमने फोर्थ वीडियो में स्टार्ट किया था और फोर्थ वीडियो में हमने सिर्फ तीन कंसेप्ट समझा था। पहला कंसेप्ट समझा था कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, अगर कोई दो मैट्रिक्स सपोज करिए दे दिया जाए, एक्स मैट्रिक्स को दे दिया गया है और वाई मैट्रिक्स दे दिया गया है, और हम लोगों को पूछा गया एक्स प्लस वाई क्या होगा, तो एडिशन कैसे करते हैं, दो अलग अलग मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाता है, हमने इसको समझा था। उसी तरीके से हमने सब्ट्रैक्शन के कंसेप्ट को समझा था कि डिफरेंस कैसे निकालना है अगर कोई भी दो मैट्रिक्स दिया रहे। फिर हमने मल्टीप्लीकेशन, मैंने आपको फोर्थ वीडियो में बताया था कि मल्टीप्लीकेशन का दो कंसेप्ट आता है। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है? जब कोई आपको एक मैट्रिक्स दिया रहे, सपोज करिए ए मैट्रिक्स दिया है और आपको बोलेगा 5A निकालिए, 6A निकालिए, -3A निकालिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोगों को प्रोडक्ट तो निकालना है मैट्रिक्स का, बट किसके साथ का प्रोडक्ट निकालना है? किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके उसके साथ का प्रोडक्ट निकालना है। तो ये था मल्टीप्लिकेशन के अंदर फर्स्ट कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या था मल्टीप्लिकेशन के अंदर? जब एक मैट्रिक्स दिया रहे और कोई दूसरा मैट्रिक्स दिया रहे और उन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमसे पूछा जाए, तो उसको कैसे निकालना है, तो उसको हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है और आज हम लोग उसको समझेंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है एंड अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले आप लोग एक बार मैच कर लीजिए आंसर, जो हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आपको, आपके लिए होमवर्क के रूप में दिया था। तो एक क्वेश्चन नंबर 28 था और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये 2008 में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। सो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया हो। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था और अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो बहुत ही जल्द हम लोग एक डाउट क्लास, लाइव क्लास का भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द किया जाए लाइव क्लास को, जहाँ पे आप डाउट को पूछ सको, कोई भी डाउट रहे आपको इस चैप्टर से, और ऐसे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो कोई भी डाउट रहे आपको तुरंत पूछ लेना है, उसको माइंड में नहीं रहने देना है, वरना वो फिर आगे आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ पाएगा। तो 28 का आप आंसर मिला लेंगे। क्वेश्चन था कि कोई एक मैट्रिक्स ए दिया है, कोई दूसरा मैट्रिक्स बी दिया है और हम लोगों को एक रिलेशन दिया था ए प्लस टू वाई इज इक्वल टू 5B, और यहाँ से पूछा है कि भाई साहब आप वाई मैट्रिक्स का वैल्यू निकालिए। तो हम लोगों को, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हम लोगों को ऑर्डर का कंसेप्ट समझना रहता है कि किस ऑर्डर का वाई मैट्रिक्स होगा। फिर ऑर्डर पता करने के बाद हम लोग उसके एलिमेंट को एज्यूम कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, फिर इन्हीं ए बी सी डी का वैल्यू निकालते हैं इक्वल मैट्रिक्स के कंसेप्ट को। तो आई होप आप, जब हमने इसके एक क्वेश्चन इसी टाइप का बनाया हो,
था, तो आपको समझ में आया हुआ होगा और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था 34 नंबर, जो कि बहुत ही सिंपल था, 34 एंड 35, जहां पे हम लोगों को क्या किया गया था, एक मैट्रिक्स ए दे दिया गया, कोई दूसरा मैट्रिक्स बी दे दिया गया और ए माइनस बी पूछा गया। आपको याद क्या रखना है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन सही से याद रखना है, जैसे कि 2 माइनस ऑफ माइनस 1, तो अब 2 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, प्लस, तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, 2 + 1 दैट इज 3। तो जब भी आप कैलकुलेशन करो, क्योंकि कंसेप्ट तो इतना ही था जितना मैंने आपको पहले बताया था, बट आप जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो आप बहुत ही सिंपल वे में करिए। मैंने आपको हमेशा ये बात बताया, आप अपने लिए सिंपल वे में कैलकुलेशन करिए, हर एक स्टेप को फॉलो कीजिए, एज वेल एज एग्जामिनर के लिए कीजिए कि वो आपको अच्छे से नंबर दे पाए। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होगा वो सिंपल सा काट के निकल जाएंगे, आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे उस केस में, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 35 भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड था। और हम लोग नेक्स्ट टाइप को अभी स्टार्ट करते हैं, जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन मैट्रिसेस विथ अनदर मैट्रिसेस, दो अलग अलग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उस कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं आज। सो हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन में हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन नंबर 9 का कंसेप्ट है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है हमारा, बोलता है इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6, कोई एक ए मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू ये है, कोई दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसका वैल्यू क्या है, 7 9 11 8 10 12। अब ध्यान से समझिएगा बात को, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फाइंड ए बी, सबसे पहले ए बी निकालिए, फिर बी ए निकालिए, एंड सो दैट बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी। अब ध्यान से समझिए बातों को, धीरे धीरे मैं आपके माइंड में फिट करना करते जाऊंगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ कंसंट्रेट करके समझना है। ध्यान से देखिए, कोई मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है, कोई मैट्रिक्स बी आपको दिया गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया उसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड ए बी बी ए एंड प्रूव दैट बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी। तो अगर हम आपको बोले कि यहाँ से आप पार्टिकुलर, यहाँ से यहाँ तक आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, तो आपको तुरंत एक पॉइंट तो स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर ये बोल रहा है कि आप ए बी निकालो, फिर बी ए निकालो, एंड देन प्रूव दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब कुछ तो लफड़ा है। यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जनरल मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होता है, अगर हम लोगों को बोलता है 3 × 2, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ए इंटू बी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 6, बी इंटू ए दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 6, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए। बट यहाँ पे मैट्रिक्स के केस में क्या ऐसा होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब होगा कब नहीं होगा, वो क्वेश्चन आपको प्रूफ के रूप में दे देगा कि यहाँ पे प्रूव करिए ए बी इज इक्वल टू बी है, तो वहाँ पे जरूर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको दे दिया है बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी, तो इसका मतलब एकदम क्लियर ये समझना है कि ए बी का वैल्यू कुछ और होगा और बी ए का वैल्यू कुछ
अलग होगा, कुछ दूसरा होगा। सो आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। सो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये टाइप, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहले ही एकदम तगड़ा सा झटका लग गया हम लोगों को। क्या झटका लगा? कि भाई साहब ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब एक अलग लफड़ा है, पहले ए बी निकालना पड़ेगा फिर बी ए निकालना पड़ेगा। अब चलिए कंसेप्ट को समझते हैं कि क्या है मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट। तो जब भी आप मल्टीप्लीकेशन को निकालेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना, हमेशा हर मल्टीप्लीकेशन के केस में आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन होगा? कि क्या ये मल्टीप्लीकेशन हो पाएगा या नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछना है। सपोज करिए पहला हम लोग ए बी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपको स्टेप कर रहा है आपको ए इंटू बी निकालना है, तो आप क्या करो, पहले ए मैट्रिक्स को लिखो 1 4 2 5 3 6 इंटू का साइन बीच में दे दीजिए, जैसे आपको बोल रहा है। आप हर एक स्टेप को फॉलो करेंगे, ये मैं हमेशा आपको बता रहा हूं। 7 9 11 8 10 12 ए इंटू बी को हमने लिखा। अब मैंने आपको क्या बोला है, आपको पहला क्वेश्चन आपको साइड में कॉपी में एफ एम फोर मी करके ये पॉइंट अपने लिए लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से क्या पूछना है कि क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं। मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल और नॉट, सो ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। अब बात आएगा कि भाई साहब अगर क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर भी कुछ होगा, तो ये मेरे को कैसे पता चले कि हाँ मल्टीप्लीकेशन इस केस में पॉसिबल है और मल्टीप्लीकेशन इस केस में नहीं होगा। अब अच्छे से कंसेप्ट को समझिए, जब भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर पाना हो, और सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, क्योंकि आगे आप अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कि मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा फिर भी आप कुछ करके निकाल लोगे आंसर, तो वो तो एकदम इलॉजिकल हो जाने वाला है। तो अब आपको आंसर इसका कहाँ से मिलेगा, ध्यान से समझिए। आपको जिस मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को निकालना है उसके ऑर्डर को आप लिखेंगे। ऑर्डर कहाँ पे लिखा जाता है, तो मैट्रिक्स के नीचे, सबसे नीचे मैट्रिक्स के लास्ट पोर्शन पे, लास्ट पॉइंट पे। ऑर्डर बोलने का मतलब क्या, उस मैट्रिक्स में कितने रो है, ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपको क्लियर नहीं है ये बात तो फिर से, ऑर्डर इज इक्वल टू व्हाट, ऑर्डर इज नथिंग बट नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स में कितना रो है और कितना कॉलम है, उन दोनों के प्रोडक्ट को या जॉइंटली हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है आपको मल्टीप्लीकेशन के केस में। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए का ऑर्डर क्या है, इस ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो, तो दो रो है इसमें। कॉलम कितने हैं ध्यान से देखिए, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तीन कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 इंटू 3। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं क्या होता है, ये है फर्स्ट रो, ये है सेकेंड रो, ये है थर्ड रो, तीन रो हैं और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, दो कॉलम हैं। अब ध्यान से समझना है क्वेश्चन, अब ध्यान से समझना है कंसेप्ट को। कंसेप्ट क्या है मल्टीप्लीकेशन का, कि अगर पहले वाला का बाद वाला, बाद वाला क्या है, कॉलम है, तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, और सिंपल भाषा में, देहाती भाषा में अगर आप लोकल लेमैन के टर्म में बोलना चाहो तो क्या बोलोगे, पहले मैट्रिक्स का बाद वाला और दूसरे मैट्रिक्स का पहले वाला दोनों अगर बराबर हो तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। 3 इज इक्वल टू 3, सो मल्टीप्लीकेशन तो एकदम से होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से क्या पूछना है, ये तो पंगा हो गया, नहीं होता तो मजा आ जाता एकदम से, यहीं पे एकदम बड़े अच्छे में लिख देते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड सी एंड डी, लेकिन अब तो लफड़ा हो गया। लफड़ा क्या हुआ, कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है और ए बी कोई मैट्रिक्स तो बनेगा।
अब ए बी मैट्रिक्स या जो प्रोडक्ट निकलेगा वो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपने आप से आपको पूछना है। तो फोर मी में सेकेंड पॉइंट क्या लिखना है आपको कि व्हाट अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल तब व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। बट हम लोग यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए ए बी लिख देते हैं। और यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि जो प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई करके नया मैट्रिक्स बनाना है उसका ऑर्डर क्या होगा, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन होगा। अब दूसरा कंसेप्ट समझिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर समझिए क्या होगा। अब देखिए बेचारा थ्री और थ्री, इसका दूसरा वाला पार्ट और इसका पहला वाला पार्ट तो चला गया, अब बचा कौन? पहले वाले में ये बच गया और दूसरे वाले में ये बच गया। अब ये दोनों क्या किया, अच्छा ये दोनों होशियार बना है, भाग गया हम लोगों को छोड़ के, चलो अब हम दोनों अटैच हो जाते हैं और एक नया मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो पहले वाले को आप पहले लिखिए और बाद वाले को बाद में लिखिए। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर 2x2 होगा, और पहले कौन लिखाता है याद करिए, जल्दी से रिकॉल करिए, पहला क्लास फर्स्ट हमेशा हम लोग नंबर ऑफ रोज को लिखते हैं और सेकेंड हमेशा नंबर ऑफ कॉलम को लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला कि ए बी कोई एक मैट्रिक्स तो बनेगा मल्टीप्लाई होके जिसमें क्या होने वाले हैं, दो रो होने वाले हैं और दो कॉलम होने वाले हैं। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर्मी में जो अपने लिए आपको याद रखना है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग ब्लैंक स्पेस डाल देना है उतना। अब ध्यान से समझिए, थर्ड पॉइंट क्या पता चला, जैसे ही आपको ऑर्डर पता चला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ऑर्डर पता चला उसके बाद तुरंत आपको उस ऑर्डर को देख के उतना ब्लैंक डाल देना है। जैसे दो रो होने वाले हैं तो हम लोग क्या करेंगे, दो इस तरह से दे दिया हमने, दो कॉलम होने वाले हैं और ये एक कॉलम का इसने खुद फॉर्मेशन कर लिया है, इसके मतलब एक और कॉलम होगा जो कि इस टाइप का होगा। तो हमने एक आउटले तैयार कर लिया है ए बी मैट्रिक्स का। अब इस आउटले में एलिमेंट को अभी हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं, या हमको जिस एलिमेंट का रियल वैल्यू फाइंड करना है उसका सिंबॉलिकल नोटिफिकेशन जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, अब याद करिए, इसलिए मैंने आपको बोला था फर्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स चैप्टर का, उसमें जितना भी बेसिक हमने डिस्कस किया था, अब हर एक जब भी आप इन्वर्स निकालोगे कुछ भी निकालोगे आपको वो कंसेप्ट अप्लाई करना होगा। तो अब इस ब्लैंक का रो और कॉलम के टर्म में हम लोग नोटेशन नोटिफाई करेंगे, कैसे किया जाए, तो ध्यान से देखिए, ये जो ब्लैंक है वो किस रो का पार्ट है और किस कॉलम का पार्ट है, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये फर्स्ट रो का पार्ट है और फर्स्ट कॉलम का पार्ट है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं जो भी एलिमेंट होगा वो किस रो और किस कॉलम का पार्ट होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पार्ट होगा। इस ब्लैंक पे जो भी एलिमेंट आएगा वो किस रो और कॉलम का पार्ट होगा, ध्यान से देखिए, वो पार्ट तो फर्स्ट रो का ही होगा लेकिन सेकेंड कॉलम का पार्ट होगा, तो A12 को हम लोगों को निकालना होगा। ये जो ब्लैंक है किस रो, यहाँ पे जो भी एलिमेंट बैठेगा वो किस रो और किस कॉलम का पार्ट होगा, वो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का पार्ट होगा। मतलब यहाँ पे कोई जो भी एलिमेंट होगा उसको क्या बोला जाएगा, A21 एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब जब आप इन तीनों स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा, भरोसा रखिए आपका
आधे से ज़्यादा कंसेप्ट यहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा और आधे से ज़्यादा वर्क आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है थोड़ा सा वो समझिए। अब हर एक एलिमेंट का रियल वैल्यू निकालना, A11 का रियल वैल्यू क्या है वही तो मैंने इन चारों का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देना है और हम लोगों को ए बी मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो A11 कैसे निकाला जाए, अब हर एक एलिमेंट का रियल वैल्यू निकालने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिए। A11 यहाँ पे आपको फोकस करना है रो और कॉलम पे। फर्स्ट वाला रो है और सेकेंड वाला आपको कॉलम बताता है। तो आपको क्या करना है ध्यान से समझिए, A11 निकालना है तो पहला वाला बताएगा आपको कि आपको फर्स्ट मैट्रिक्स से कौन सा रो को उठाना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ध्यान से समझिए, A11 में ये जो पहला वन है वो आपको बताएगा कि आपको फर्स्ट मैट्रिक्स से कौन सा रो उठाएगा। तो ये हमेशा याद रखिए आप, रो क्या बताएगा, रो बताएगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स से किस रो को मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाएगा। अब ये जो कॉलम है, ये कॉलम क्या बताएगा, कॉलम आपको बताएगा एलिमेंट का कि सेकेंड मैट्रिक्स से कौन सा कॉलम को यूज करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। यूज करना है अब जल्दी से एक बात, एक पॉइंट अपने माइंड में फिट कर लीजिए, रो हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स से आएगा और कॉलम हमेशा सेकेंड मैट्रिक्स से आएगा। तो कौन सा रो को यूज करना है, कौन सा कॉलम को यूज करना है, वो एलिमेंट का आपको रो नंबर और कॉलम नंबर को देख के पता करना है। अब जल्दी से देखिए और हम लोग अच्छे से तुरंत समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से समझोगे। A11 है तो मैंने आपको क्या बताया, पहला तो रो नंबर को इंडिकेट करता है और ये जो भी रो नंबर है उस रो नंबर को आपको पहले मैट्रिक्स से उठा लेना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे वन है तो पहले मैट्रिक्स से हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट रो को टेक आउट कर लिया और हम लोगों ने लिखा 1+2+3। अब ये अधूरा है, कैसे अधूरा है ध्यान से देखिए, अब एक कॉलम भी तो बचा हुआ है। ये वन क्या बताएगा, ये बताएगा सेकेंड मैट्रिक्स से हम लोगों को कौन सा कॉलम को यूज करना है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे क्या है, वन है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को हम लोगों को यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम को उठाएंगे और सही से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब रिस्पेक्टिव प्लेस के साथ। पहले 7 आ रहा है तो 1 के साथ 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 9 आ रहा है तो सेकेंड एलिमेंट के साथ 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 11 आ रहा है तो जो बचा हुआ है उसके साथ 11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जल्दी से एक बार हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सपोज करिए A12, इसका मतलब क्या हुआ, पहले रो, हमेशा ये याद रखना फर्स्ट मैट्रिक्स से हमेशा रो ही आपको टेक आउट करना है, रो को ही उठाना है। तो कौन सा पहला मैट्रिक्स से कौन सा उठेगा, तो फर्स्ट रो उठेगा, 1 × सेकेंड कॉलम के साथ इस बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 2 है तो सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम को टेक आउट कीजिए और रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × 8 +
टू इंटू टेन प्लस थ्री इंटू ट्वेल्व। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो अब इस फोर मी सेक्शन को हम थोड़ा सा मिटाते हैं। सो इन दोनों का तो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, आप वैल्यू निकाल लेंगे सिंप्लीफाई करके। अब ये दोनों बचा हुआ है, ए टू वन एंड ए टू टू। जल्दी से देखिए और बताइए, यहाँ पे टू है मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स से इस बार कौन सा रो निकलेगा? सेकेंड रो निकलेगा। और हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स से रो को ही टेक आउट करना है। कौन सा रो टेक आउट करना है? वो आपको एलिमेंट का रो नंबर बताएगा। तो यहाँ से आपको सेकेंड रो उठा लीजिए, फोर फाइव सिक्स है। और कॉलम कौन सा इस बार निकलेगा सेकेंड मैट्रिक्स से? तो फर्स्ट कॉलम निकलेगा। तो क्या हो जाएगा? फोर इंटू सेवन, फाइव इंटू नाइन, सिक्स इंटू अलेवन। फिर से समझिए, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, फाइव इंटू नाइन प्लस सिक्स इंटू अलेवन। सिर्फ आपको ये बात याद रखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स से किसी रो को ही टेक आउट करना है और सेकेंड मैट्रिक्स से किसी कॉलम को टेक आउट करना और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अब ये क्वेश्चन का आपको आंसर बार बार पूछना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स से किस रो को उठाएं, किस रो को निकाले और सेकेंड मैट्रिक्स से किस कॉलम को टेक आउट करें। बस इसी क्वेश्चन को आपको हमेशा हर एक क्वेश्चन में अभी बोल के बनाइए और हर एक क्वेश्चन आप खुद से पूछिए ये बनाने के दरमियान। अब देखिए, ए टू टू के दरमियान क्या हो जाएगा हम लोगों को? फर्स्ट मैट्रिक्स से कौन सा रो को टेक आउट करेंगे? सेकेंड रो। और सेकेंड मैट्रिक्स के किस कॉलम को टेक आउट करके दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा? तो यहाँ पे क्या है? टू। तो फोर इंटू एट प्लस फाइव इंटू टेन प्लस सिक्स इंटू ट्वेल्व। अब इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। ध्यान से देखिए, वन इंटू सेवन, सेवन प्लस टू इंटू नाइन एटीन, प्लस थ्री इंटू अलेवन थर्टी थ्री। क्या हो जाएगा? एटीन प्लस सेवन ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी थ्री। तो ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री ट्वेंटी एट, और ट्वेंटी एट प्लस टेन थर्टी एट, थर्टी एट प्लस टेन फोर्टी एट, और फोर्टी एट प्लस टेन फिफ्टी एट। 1 इंटू एट क्या हो जाएगा? 8। 2 इंटू टेन ट्वेंटी प्लस 3 इंटू ट्वेल्व थर्टी सिक्स। ऐड कर दीजिए तीनों को, क्या हो जाएगा? 20 प्लस 8 28 प्लस 6 34, 34 प्लस 10 44, 44 प्लस 10 54, प्लस 10 64। उसी तरीके से ऐड कर देना है, 7 इंटू फोर ट्वेंटी एट प्लस नाइन इंटू फाइव फोर्टी फाइव प्लस सिक्स इंटू अलेवन सिक्सटी सिक्स। तीनों सम होके क्या हो जाएगा? सिक्स प्लस फाइव अलेवन प्लस एट नाइन, नाइन सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन प्लस फोर अलेवन प्लस टू थर्टीन, वन थर्टी नाइन। ये क्या हो जाएगा? 32 प्लस 50 प्लस 72। ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 2 4, 7 प्लस 5 12 प्लस 3 15, 154। सो हम लोगों को ए बी का वैल्यू क्या निकल गया? ध्यान से देखिए, पहला पोजीशन पे क्या था? ए वन वन। दूसरा पोजीशन पे क्या था? ए वन टू, ए टू वन ए टू टू। तो अब सिर्फ इसके वैल्यू को पुट कर दीजिए। ए वन वन का वैल्यू कितना आया हम लोगों को? 58। ए वन टू का वैल्यू कितना आया है? 64। ए टू वन का वैल्यू कितना आया है? 139। और ए टू टू का वैल्यू कितना आया है? 154।
सो आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ भी आया होगा। अगर 50% आया आपको बहुत आ गया। अभी फिर से जैसे ही हम लोग एक और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको और अच्छे से 70 आएगा। धीरे धीरे आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे वो और उतना परसेंटेज आपको बढ़ता जाएगा, आपको और अच्छे से समझ में आते जाएगा। जैसे ही आपने 10 से 10 से 12 क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे बेस बना लीजिएगा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया हो। तो अभी सिर्फ हम यहाँ पे ए बी के वैल्यू को रहने देते हैं और जल्दी से बी ए का वैल्यू को निकालते हैं और देखते हैं क्या ए बी और बी ए बराबर है या नहीं है। सो इतनी बातों को मैं रफ डाउन करके सिर्फ एक पॉइंट आपको बोलूंगा याद रखने के लिए। वो पॉइंट क्या है कि हमेशा मल्टीप्लिकेशन के दरमियान आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स से हमेशा रो को टेक आउट करना है, सेकेंड मैट्रिक्स से हमेशा हम लोगों को कॉलम को टेक आउट करना है और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। बस इस बात को आप याद रखिए, ये आपका आधा से ज़्यादा काम ईजी कर देगा और बाकी कुछ नहीं है। आप स्टेप लिखोगे वो अपने आप समझ में आते जाएगा। तो सिर्फ इसको रिकॉल करते रहिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स से रो को टेक आउट करना है, सेकेंड से हमेशा कॉलम आएगा और दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके एलिमेंट का वैल्यू निकलेगा। इसको आप कहीं पे लिख लीजिए और इसी को रिपीट करिए, इसको समझ के रिपीट करिए, तब मज़ा आएगा। ऐसे रिपीट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो जल्दी से एक बार हम लोग थोड़ा सा बी ए का वैल्यू निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग इस बार किसको लिखेंगे, बी मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, 8, 10, 12 इंटू का साइन ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 1, 4, 2, 5 and 3, 6। अब जैसे ही हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन का बात आया, पहला क्वेश्चन क्या पूछना है अपने आप से, क्या मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं, और उसका आंसर कौन देगा, उसका आंसर आपको ऑर्डर देगा। तो जल्दी से आप ऑर्डर भी लिख लेंगे, जैसे ही आप इसको लिखेंगे तो मैट्रिक्स के साथ साथ आप उसका ऑर्डर को भी नोट डाउन कर ले। तो ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तीन रो है, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, दो कॉलम है। उस इसी तरीके से इसमें कितने रो हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, दो रो हैं, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब याद कीजिए कंडीशन क्या था, शुद्ध देसी भाषा में बोलना है, पहले का बाद वाला बराबर होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के पहले वाले से। तो क्या दो और दो बराबर है, एकदम बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब बेचारा आपको देखना है नया जो मैट्रिक्स बी ए आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो बेचारा यहाँ पे क्या बच जा रहा है, जो बच जा रहा है वही नया ऑर्डर को फॉर्म करेगा और जो पहले है उसको आपको पहले लिखना है। तो ये पहले है और ये बाद में है, हालांकि दोनों थ्री ही है तो यहाँ पे पहले बाद वाला मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर ये 2, 3 है होगा तो वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आप हमेशा इसको पहले, ये आपको नंबर ऑफ रो बताएगा नया मैट्रिक्स का बी ए का, और बाद वाला ये आपको हमेशा नंबर ऑफ कॉलम बताएगा नया मैट्रिक्स का। तो ध्यान से देखिए, दोनों क्वेश्चन हमने पूछा और दोनों का आंसर हम लोगों को ऑर्डर से मिल गया कि हाँ मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और जो मल्टीप्लीकेशन हो के नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 into 3। तो हम लोग क्या करने अब नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं, तो सबसे पहले 3 into 3 का एक आउटले तैयार करने वाले हैं। इसमें कितने रो होने वाले हैं, 3 रो, तो 3 रो के लिए हमने कुछ ऐसे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचा। अब कॉलम कितने होने वाले हैं, 3 कॉलम, और ये एक कॉलम का फॉर्मेशन खुद ब खुद हो गया इस दरमियान। फिर आपको क्या करना है, 2 और कॉलम को खींच लेना है। अब हर एक ब्लैंक स्पेस पे उसके एलिमेंट का वैल्यू लिखिए रो और कॉलम के टर्म में। इस ब्लैंक का रो और कॉलम के टर्म में वैल्यू क्या होगा, दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो A11।
A12, A13, इसी तरीके से ये देखिए सेकेंड रो का पार्ट है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ये A21, A22, A23, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का पार्ट है, ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम का पार्ट है, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का पार्ट है। सो ये क्या हो जाएगा, A31, A32 और A33। अब आपको सिर्फ एलिमेंट का सही से रो और कॉलम, क्योंकि यही मेन है, आप जिस भी एलिमेंट का वैल्यू निकालना चाहोगे तो आपको वहीं से पता चलेगा कि उसके लिए पहले रो से कौन सा कॉलम को निकालना है और दूसरे मैट्रिक्स से कौन सा पहले मैट्रिक्स से कौन से रो को निकालना और दूसरे मैट्रिक्स से कौन से कॉलम को निकाल के मल्टीप्लाई करना है। तो एलिमेंट का नोटेशन इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ध्यान से समझते हैं, अब हम लोगों को जिसका भी वैल्यू निकालना है, अभी मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा रब डाउन करता हूँ और सिर्फ वैल्यू को रहने देता हूँ, ए बी के वैल्यू को। तो ए बी का वैल्यू ये है हमारा, अब ध्यान से देखिए और आपको बोल बोल के ये वर्क करना है। A11 का वैल्यू निकालना है, पहले मैट्रिक्स से क्या उठा हमेशा उठेगा, रो को निकालेंगे हम लोग, तो कौन से रो को निकाले, यहाँ पे रो नंबर क्या है, 1, तो फर्स्ट रो को उठाएंगे और दूसरे मैट्रिक्स के मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम को उठाएंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 7 × 1 प्लस 8 × 4 A22, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, A12, अब पहले मैट्रिक्स से कौन सा रो निकलेगा, A1 है, यहाँ पे रो नंबर 1 है, तो फर्स्ट रो ही निकलेगा, लेकिन इस बार सेकेंड मैट्रिक्स से कौन सा कॉलम निकलेगा, यहाँ सेकेंड कॉलम है, ये कॉलम निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, 7 × 2 प्लस 8 × 5 A13 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, पहले मैट्रिक्स से इस बार कौन सा रो निकलेगा, फर्स्ट रो, लेकिन सेकेंड मैट्रिक्स से कौन सा कॉलम निकलेगा, थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा ये, 7 × 3 प्लस 8 × 6। इसी तरीके से A21, पहले मैट्रिक्स से कौन सा रो निकलेगा, सेकेंड रो, किस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट है वहां पे, तो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा ये, 9 × 1 प्लस 10 × 4 A22 ध्यान से देखिए, अब कौन सा निकलेगा, पहले मैट्रिक्स से सेकेंड रो, तो सेकेंड रो को हमने निकाला और किससे मल्टीप्लाई किया, सेकेंड कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा, 9 × 2 प्लस 10 × 5। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस बार सेकेंड रो तो निकालेंगे लेकिन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, थर्ड कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा, 9 × 3 प्लस 10 × 6। अब आ गया A31, थर्ड रो को निकालना है, इस बार थर्ड रो को निकालेंगे, किस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा, 11 × 1 प्लस 12 × 4। फिर से A32 है, थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम, 11 × 2 प्लस 12 × 5। A33 है, क्या होगा इसका मतलब, थर्ड रो मल्टीप्लाइड विथ थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा, 11 × 3 प्लस 12 × 6। अब हम लोग सिर्फ इसका वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, 7 × 1 7 प्लस 8 × 4 32 32 प्लस 7 39।
7 इंटू 2 14 प्लस 8 इंटू 5 क्या हो जाएगा 40, और 40 प्लस 14 54, 7 इंटू 3 21 प्लस 8 इंटू 6 48 क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 9 4 प्लस 2 6 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9 प्लस 10 इंटू 4 40 दोनों मिलके क्या हो जाएगा 49 9 इंटू 2 18 प्लस 10 इंटू 5 50 दोनों मिलके क्या हो जाएगा 68 9 इंटू 3 27 प्लस 10 इंटू 6 60 दोनों मिलके कितना हो जाएगा 87 11 इंटू 1 11 प्लस 12 इंटू 4 48 दोनों मिलके कितना हो जाएगा 59 11 इंटू 2 22 प्लस 12 इंटू 5 60 तो 82 11 इंटू 3 33 प्लस 72 क्या हो जाएगा 105। सो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम लोगों को वैल्यू सारा का मिल गया है और हम सिर्फ उस वैल्यू को पुट कर देंगे। A11 का वैल्यू क्या आया है 39, A12 का वैल्यू क्या आया है 54, A13 का वैल्यू क्या आया है 69, A21 का वैल्यू 49, A22 का वैल्यू 68, A23 का वैल्यू 87, A31 का वैल्यू 59, A32 का वैल्यू 82, A33 का वैल्यू 105। सो ये हम लोगों को BA का वैल्यू मिल गया। अब दो पार्ट इसमें सॉल्व हमने कर लिया, पहला AB का वैल्यू को निकाला, फाइंड आउट किया, BA के वैल्यू को निकाला। अब थर्ड पोर्शन जो पूछा जा रहा है उसको देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों को बी ए का वैल्यू मिल गया है जो कि ये है, और ए बी का वैल्यू कितना है 58, 139, 64, 154। सो अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बी ए इज इक्वल टू ए बी है? वो तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इक्वल सेट का कंसेप्ट क्या है, दो कंसेप्ट है कि अगर कोई भी दो सेट को इक्वल होना है तो सबसे पहला उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, और बी ए का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3। तो पहला जो कंसेप्ट है ऑर्डर सेम, वही गलत हो जा रहा है। फिर क्या दूसरा कंसेप्ट क्या था कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट बोलने का मतलब क्या, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट इस मैट्रिक्स का वो बराबर होना चाहिए। किसके बराबर? पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट इस मैट्रिक्स का। तो क्या 58 बराबर 39 है? नहीं। तो दोनों में से कोई भी, और दूसरा कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगा जब पहला पूरा होगा, तब हम लोग सेकंड चेक करेंगे। तो पहला तो है ही नहीं पूरा, सेकंड का बात ही नहीं आता है चेक करने का। तो अब आप ये बोल सकते हो क्या कि ए बी is not equal to BA? इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट में आज हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन हमने समझा है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको सम अप करके बोलना चाहूंगा कि आप इसका मतलब समझिए। आप जब A12 लिख रहे हो, A21 लिख रहे हो, A31 लिख रहे हो, A51 लिख रहे हो, A71 लिख रहे हो, A
इसको 1 1 नहीं 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं। तो आप इसका मतलब सिर्फ समझ पाओ, अगर आप इसका मतलब समझ पाओगे तो आपका वैल्यू कैलकुलेट करने में फिर कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या होगा जल्दी से एक बार आप बताएंगे। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स से फर्स्ट रो को टेक आउट करेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स से सेकेंड कॉलम, कौन से कॉलम को निकालेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स से सेकेंड कॉलम को निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है आपस में और हम लोगों को आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से आपको हर एक, इसी तरह से आप 10-12 वैल्यू A15 कुछ भी अपने से लिखना है और आपको प्रैक्टिस करना है उसका मतलब क्या है उसको समझने के लिए। A21 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स से इस बार कौन सा रो को टेक आउट करना है, सेकेंड रो को टेक आउट करना है और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कौन से कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो ये आपको हमेशा बोलना है। आप 10-12 इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे। A53 इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट फिफ्थ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, थर्ड कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है लिख के। A74 क्या हो जाएगा, इसका मतलब सेवेंथ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, फोर्थ कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। सो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और जब भी क्वेश्चन आप बनाएंगे तो उसको लिख के बनाएंगे। क्लियर है? तो उससे क्या होगा, डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। सो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और थोड़ा सा हेडेक अगर लग रहा हो तो आप उसको टेंशन नहीं लेना एकदम से। हम लोग नेक्स्ट क्लास जब भी स्टार्ट करेंगे तो फिर से मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। बस आपको एक चीज़ अपने आप से क्या करना, ऑनेस्ट रहना है अपने आप से, क्वेश्चन बनाना है। जितना क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला था, टाइप टू में टोटल 35 या 34 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के हर एक टाइप को कवर किया गया और आपको सिर्फ अपना क्या देना है, बेस्ट देना है। हर एक क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में बनाना है। जब कॉपी देखा जाए तो हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप का, जितना 35 to 35 है सारा टाइप टू का बना रहे, बस ये आपको अपने साथ करना है। फिर आप देखोगे लास्ट तक आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा और आप फिर इजीली बना पाओगे। सो आई होप आपको आज के क्लास में मज़ा आया हो। थोड़ा सा हेडेक तो अगर लगा हो तो वो नेक्स्ट क्लास में ना लगे, आप प्रैक्टिस करें, ये मेरा दुआ है और आपके लिए विशेष है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।